एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टाइल टिप्स। मैं हूँ रेनी। डेट में जो सबसे ज़्यादा हमारे दिमाग में सवाल पैदा कर रहे हैं वो है कोरोना वायरस। इस पैथोजन ने अभी तक के बहुत से जाने ले चुके हैं चाइना में। तो हमारे दिल में जो सवाल उठ रहे हैं उनमें से एक ये सवाल भी है कि क्या ऑनलाइन परचेस किया हुआ चीज़ सेफ है। फेमस चाइना बेस्ड कंपनी में से एक है अली एक्सप्रेस, या सारे मेकअप ब्रांड्स है लाइक वेट एंड वाइल्ड है, एले गर्ल है, फिर सिग्मा है, एनास्टासिया है, इस तरह बहुत सारे ब्रांड्स है जो कि चाइना में है। तो क्या वो प्रोडक्ट खरीदना सेफ है, क्या ऑनलाइन ऑर्डर देना सेफ है? तो इस वीडियो में आपको मिलेगा इन सारे सवालों का जवाब। तो देखते रहिए आखिर तक इस वीडियो को। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है। तो पॉइंट नंबर वन ये है, तक की जानकारी के हिसाब से जो इस वायरस अफेक्टेड होते हैं तो उनका सिम्टम यही होता है कि सर्दी है, खांसी है और निमोनिया टाइप का कुछ सिम्टम इन लोगों को दिखाई दे रहा है। जब वायरस अफेक्टेड पीपल किसी के सामने छींकते या फिर खांसते तो एयर के थ्रू वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू वो ट्रांसमिट होता है। वायरस रिलेटेड बहुत सारी जानकारी अभी भी अननोन है, पर इन जनरल ये वायरस सरफेस एरिया में ज़्यादा देर नहीं जिंदा रहते। इसका मतलब अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर दिए हैं, अगर कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं तो कुछ दिन और वीक लग जाते हैं वो वहाँ से आपके पास आने में, तो उस दौरान वो वायरस नहीं जिंदा रहता। अभी तक ऐसा कोई भी एविडेंस पाया नहीं गया है कि पैकेजिंग के थ्रू ऐसा कुछ भी हो रहा है। तो पैकेजिंग वाइज या फिर प्रोडक्ट वाइज इस वायरस की फैलने का चांसेस बहुत ज़्यादा लो है। पॉइंट नंबर टू में चलते हैं, ताकि ई कॉमर्स शॉपीज बहुत सारे ट्वीट करके ये भी बताया है वहाँ पर एम्प्लॉयज़ का खास ध्यान रखा जा रहा है, हेल्थ उनके हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हैं। इस वजह से पैकेजिंग थ्रू या फिर ऑनलाइन प्रोडक्ट थ्रू इस वायरस का फैलने का चांसेस कम होता है। एंड पॉइंट नंबर थ्री ये है कि पता चला है कि जब भी कोई भी चाइना के प्रोडक्ट एयरलाइंस के पास आ रहे हैं तो वो डिसइंफेक्ट करके और उसका जांच करके फिर ही रिलीज़ कर रहे हैं कस्टमर के पास। तो ओवरऑल ये आता है कि आप परचेज डेफिनेटली कर सकते हो, परचेज में कोई भी रिक्स नहीं है। अब तक ये स्प्रेड होने का चांसेस बहुत लो है प्रोडक्ट के थ्रू। आप डेफिनेटली आपका मनपसंद कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो, अभी तक कोई भी मना नहीं है इसमें। तो आई होप आपके दिल में उठे गए सवाल का जवाब आपको मिल गया है इस वीडियो के थ्रू। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी। बाय।